शरणों में तेरे आए हम सब तेरे मंदिर में पूजन करने आशीष पाने प्रभु के चरणों में शरणों में तेरे आए हम सब तेरे मंदिर में पूजन करने आशीष पाने प्रभु के चरणों में तेरी जय जय हो करता तेरी जय जय हो जयकार तेरी जय जय हो करता तेरी जय जय हो जयकार वचन तेरा प्रभु सुनने आए उसमें ही जीवन तुझसे ही पाते जीवन है महान है तू महान है तुझसे ही पाते जीवन है चरणों में तेरे आए हम सब तेरे मंदिर में पूजन करने आशीष पाने प्रभु के चरणों में के चरणों में प्रभु के चरणों में आप सभी को जय यीशु साधारण वर्ष के 24वें रविवारीय यूकारिस्टीय समारोह में शामिल होने हेतु आप सभी विश्वासियों का मैं आमंत्रित करता हूँ। आइए भक्तिभाव से तन और मन से इस यूकारिस्ट में पवित्र त्रित्व के नाम पर शामिल हों। हम इस मिस बलिदान को पवित्र त्रित्व के नाम पर प्रारंभ करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्राइस्ट में मेरे प्यारे बंधुओं, हम सभी विश्वास करते हैं और उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं ईश्वर ने हमें अपने ही प्रतिरूप में बनाया है। उन्होंने हम सबों में अपनी ही सांस डाल दी है ताकि हम उनका जीवन जिए, उनके लिए जिए और उनके गुणों को इस संसार में अपने जीवन वचन कार्य द्वारा प्रकट करें। ईश्वर सच्चे हैं, ईश्वर अच्छे हैं, ईश्वर दयालु हैं, ईश्वर प्रेमी पिता हैं, ईश्वर क्षमाशील हैं, ईश्वर उदार मन के हैं। जब ईश्वर क्षमाशील हैं, हम उन बच्चों के लिए भी यही गुणों में जीना होगा, यही गुणों को अपनाना होगा और यही गुणों को अपने जीवन वचन कार्यों द्वार में फैलाना होगा। आज के पूजन पद्धति का मूल्य विषय है, मुख्य विषय है क्षमा अथवा माफी। पेत्रुस प्रभु येसु के पास आकर पूछते हैं, अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो कितने बार क्षमा करना है? सात बार?
तब प्रभु कहते हैं सात बार नहीं 70 गुना 7 बार, क्योंकि माफी देने में कोई सीमा नहीं है। उसका दृष्टांत प्रभु यीशु खुद इस सूली पर देते हैं, हाथ पसारते हुए आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान कर दूंगा। क्रिस्त में बंधुओं, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं आते होंगे, कोई हमें दुख देता है, चोट पहुंचाता है, उसे माफ करना बहुत मुश्किल पड़ता है या उससे बात करना नामुमकिन है क्योंकि उन्होंने हमें चोट पहुंचाया है। ये हमारे वास्तविक जीवन का बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण संघर्ष है कि हमें माफ़ करना पड़ता है, लेकिन प्रभु ने खुद माफ़ किया है। वो चाहते हैं हम यीशु के भाई बहन एक दूसरों को माफ़ करें। आइए, अगर हम हमारे दिल में किसी के प्रति कुछ ऐसी दुखदायी बातें हैं अथवा चोट हैं अथवा हम बदले की भावनाओं में हैं, तो हम उन सभी क्षणों के लिए पश्चातावा करें और इस मिसा बलिदान में ईश्वर से यही कृपा मांगे, वो हमें ये कृपा दें ताकि हम सच्चे मन से संपूर्ण हृदय से एक दूसरे को और जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाया है उनको माफ़ कर सकें। आइए हम इस मिसा बलिदान की तैयारी में अपने सभी पापों को याद करते हुए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें और यह मिसा बलिदान ईश्वर को सुग्राह्य होने हेतु हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन करने से और अपना कर्तव्य अपनाना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य वाली मरियम से सब स्वर्गदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। Hey.
बताते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, महिमा हे प्रभु येशु मुक्ति दाता, हे प्रभु येशु सुदेश्वर, हे प्रभु येशु मुक्ति दाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग, महिमा पावन तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में तू ही पावन तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा होवे सदा, महिमा महिमा प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा, महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ईश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर कृपा दृष्टि डाल और सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सकें तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। पहला पाठ, प्रवक्ता ग्रंथ। विद्वेष और क्रोध घृणित है, तो भी पापी दोनों किया करता है। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता हो, तो वो प्रभु से दया की आशा कैसे कर सकता है? यदि वो अपने भाई पर दया नहीं करता, तो वो अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? नीरा मनुष्य होते हुए भी यदि वो बैर बनाए रखता हो, तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु का ध्यान रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अनुकंपा से परिपूर्ण है, दया अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दया अनुकंपा से परिपूर्ण है।
क्षमता से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। प्रभु दयानुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दयानुकंपा से परिपूर्ण है। वो मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वो मुझे सर्वनाश से बचाता है और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। प्रभु दयानुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दयानुकंपा से परिपूर्ण है। उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वो ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। प्रभु दयानुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दयानुकंपा से परिपूर्ण है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। प्रभु दयानुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दयानुकंपा से परिपूर्ण है। हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। दूसरा पान, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन का खुल जाए प्रभु वाले।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। पेत्रुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया, और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला गोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने यह नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। अगर हम अपने चारों ओर दृष्टि डालेंगे, नजर दौड़ाएंगे अथवा अखबारों में पढ़ेंगे, टीवी माध्यमों में देखेंगे, हमें क्या सुनने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, क्या अनुभव करने को मिलता है, क्या पढ़ने को मिलता है? यही ना बदले की भावना, बदला बदला चारों तरफ बदला और दुश्मनी। एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते,
कोई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, चाहे समाज में हो, अड़ोस पड़ोस में हो और अपने ही परिवार में क्यों ना हो। लड़ाई, झगड़ा, बदले की भावना, यहाँ तक कि अपने परिवार जनों को उनके ही प्रियजन मार डालते हैं। ये आजकल दुनिया का दस्तूर बन गया है, दुनिया का परंपरा बन गया है क्रिस्त में, मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु वो दैविक संदेश देते हैं, भले तुम्हारा भाई तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी करें, कितने भी बड़ा पाप क्यों ना करें, या तुम्हें दुख क्यों ना दें, दर्द क्यों ना दें, चोट क्यों ना पहुंचाए, तुम उसे माफ करो। सिर्फ 7 बार नहीं, 70 गुना 7 बार। क्या यह समाचार या संदेश हमें आज के जीवन में अथवा जीवन के सामने रखें तो विरोधाभास नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। कभी कभी यह नामुमकिन लगता है, हम करना नहीं चाहते। प्रभु के वचन, प्रभु के संदेश बहुत ही कठिन है, मुश्किल है, फिर भी नामुमकिन नहीं है। इसका उदाहरण प्रभु खुद देते हैं। सूली पर चढ़कर एक निर्दोष व्यक्ति ईश्वर इंसान रूप में आकर लोगों की भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं क्रिस्त में, मेरे प्यारे भाई बहनों। इससे बड़ा दृष्टांत कौन सा हो सकता है? कोई भी नहीं। ईश्वर खुद, हम मनुष्यों को, हम सभी बड़े पापी हैं, हमारे सारे पापों को माफ कर देते हैं और हमें गले लगाते हैं। और उसी प्रभु यीशु ने सूली पर मरते हुए कहा, हे पिता उन्हें क्षमा करो, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। देखिए ईश्वर का प्यार हमारे प्रति प्रभु यीशु के द्वारा। उस सूली पर लोगों ने उसे मौत के घात उतारा, सूली पर चढ़ा दिया, कीलों से ठोका उनको, दर्द दिया, मारा, पीटा, तूका, सब कुछ किया। लेकिन ईश्वर ने इंसान के रूप में प्रभु यीशु में सब कुछ सह लिया। क्यों? आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए। यह था ईश्वर की उदारता, ईश्वर का बड़ा मन और ईश्वर का गुण क्षमाशीलता क्रिस्त में, मेरे प्यारे भाई बहनों। हम लोगों के सामने बहुत से ऐसे दृष्टांत भी हैं कि किस प्रकार एक दूसरे को, अपने भाई को जो हमारे विरुद्ध गलत करता है, क्षमा किया जाए। हमने पढ़ा, हमने देखा, हमने सुना है हमारे संत पापा योहान पॉलस द्वितीय, जब वो इस धरती पर थे, उन्होंने अपने विरुद्ध जिन्होंने भी कार्य किया हो उसको जेल खाने में जाकर क्षमा किया। और हम जानते हैं रानी मरिया को, जिनको, जिस आदमी ने मारा था, कत्ल किया था, उनके माँ बाप उनके पास जाते हैं जेल में और उन्हें क्षमा करते हैं, उनको राखी भी बांधते हैं क्रिस्त में, मेरे प्यारे भाई बहनों। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं, भले हमें नामुमकिन लगता है, असाधारण लगता है, फिर भी ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। क्योंकि अगर हम ईश्वरीय गुणों से भरे हुए हैं, अगर हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, अगर हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं और ईश्वर को अपने पिता मानते हैं, तो जो पिता कहते हैं, जो पिता की बात है, उसको मानना पड़ेगा। हमें भी शक्ति मिलेगी क्रिस्त में, मेरे प्यारे भाई बहनों। ये उतना आसान नहीं है, प्रभु की बात उतना आसान नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं, अगर तुझे मेरा अनुसरण करना है तो अपने दैनिक जीवन का क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। यही है एक तरह के क्रूस, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमारे दैनिक जीवन में आते हैं,
हमारे संबंधों में आते हैं, संपर्कों में आते हैं, हमारे रिश्तों में आते हैं, जो चोट हमें पहुंचाता है हमारे कोई गलती के बिना, और हमें दुख पहुंचाता है, और हमारी अवहेलना करता है, हमारी आलोचना करता है, और हमारी निंदा करता है, लोगों के सामने भला बुरा कहता है, हमें बर्दाश्त नहीं होता उसको झेलने की शक्ति हमारे पास नहीं है। तुरंत हमारे मन में वो गुस्सा आता है, तुम्हारे हमारे मन में वो बदले की भावना आती है, तुरंत हम सोचते हैं उसको कुछ करें, अभी उसको मारें, दो झापड़ मारें, अथवा बदला लें, अथवा मुझसे नहीं होता तो दूसरों के द्वारा हम लोग कुछ करें उसके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे दुख दिया क्रिस में, मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन प्रभु येसु हमारे मुक्तिदाता, जिन्होंने हमें एक अच्छा पाठ पढ़ाया, इस संसार में आकर एक दूसरों को माफ करो, उन्होंने कहा माफ करो। क्रिस में प्यारे बंधुओं, हमारे क्रिस्तीय जीवन की बुनियाद है दो चीजों में, अपने ईश्वर को अपने सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी आत्मा से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हम अपने को प्यार करते हैं, वैसे उसको भी प्यार करो। ईश्वर का प्यार और पड़ोसी का प्यार दोनों बहुत ही जरूरी है। अगर हम कहते हैं हम ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर का प्यार सिर्फ ये नहीं हम हर संडे को पूजा बलिदान में शामिल हो जाएं, गिरजाघर में बैठ जाएं और भक्ति करें, पूजा करें, और बाहर जाकर किसी के प्रति गलत गलत शब्द का इस्तेमाल करें, लड़ाई की बातें करें, ये ईश्वर का प्यार नहीं है। अगर हम ईश्वर को प्यार करते हैं, जो हम यहाँ सीखते हैं, जो प्रभु के शरीर और रक्त को हम लोग ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, हम गिरजाघर से बाहर जाते हैं, जिनके साथ हमारा दुश्मनी है अथवा मनमुटाव है, हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम लोग गिरजाघर में क्रिस्तिया के बीच में ही एक दूसरों को शांति प्रदान करते हैं। अगर हमको मन नहीं है तो क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे नहीं आएगी। अगर सचमुच हमारा दिल साफ है, मन साफ है, हृदय साफ है, हम मुस्कुराएंगे, हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे क्रिस्त में, मेरे प्यारे भाई बहनों। यही चाहते हैं हमारे ईश्वर, यही चाहते हैं हमारे यीशु मसीह, कि हम एक दूसरों को माफ करें, एक दूसरों को बर्दाश्त करें, एक दूसरों में प्रभु को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु हर एक में जीवित हैं, हर एक में निवास करते हैं। प्रभु यीशु हमारे दिल में है, क्योंकि हम प्रभु के मंदिर हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, पहला पाठ कहता है जो बदले की भावना रखता है, जो माफी नहीं करता है, उसे ईश्वर दंड देगा। अगर ईश्वर हमें माफ करता है, ईश्वर हमें क्षमा करता है, तो हम कौन है अपने भाई बहनों को क्षमा ना करने वाले। आज का दूसरा पाठ कहता है हम जीते हो मरते हो प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। हमें अभी सिर्फ प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के नाम से जीना है, प्रभु के गुणों से जीना है, और प्रभु बनकर जीना है एक दूसरों के लिए। भले कठिन है, भले मुश्किल है, इतना सरल नहीं है। संत पौलुस ने कहा अब मैं नहीं बल्कि प्रभु मुझ में जी रहे हैं। प्रभु यीशु के लिए उन्होंने सब कुछ सहा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने व्यवस्थान में ईश्वर मूसा द्वारा इसराइलियों को 10 नियम देते हैं। उस 10 नियमों में 3 नियम हमारे रिश्ता ईश्वर के प्रति, संबंध ईश्वर के प्रति, हमारे विश्वास प्रभु के प्रति, और 7 हमारे पड़ोसियों के प्रति है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, पड़ोसियों का आदर करना, सम्मान करना, उनके पापों को क्षमा करना, बदले की भावना ना रखना, और सभी को चोटों को भूल जाना, उनको अपना स्वीकार करना। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है किस प्रकार एक दूसरों को माफ किया जाता है। सभी संत लोग हमें समझाते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार माफ किया जाता है, और आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरों को माफ करते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरों को अपना भाई मानते हैं। तो हम क्यों ना करें, जब हमारे प्रभु जिसको हम मानते हैं, जिसको हम स्वीकार करते हैं, जिसको हम अपने हृदय के राजा मानते हैं, अपने परिवार का राजा मानते हैं, जीवन की ज्योति मानते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, करते हैं, और हमसे चाहते हैं कि हम भी वैसे ही करें,
जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो, जैसे मैंने माफ किया वैसे तुम भी माफ करो, जैसे मैंने बर्दाश्त किया वैसे तुम भी बर्दाश्त करो। क्रिस्ट में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें करना होगा, यही हमारी बुलाहट है आज के लिए, आज से आइंदा हमेशा के लिए। हम दुनिया के लिए आज प्रार्थना करें। राष्ट्र राष्ट्र के बीच में झगड़ता है, सारी दुनिया अशांति में है और लोग धर्म धर्म के बीच में लड़ाई हो रही है, बदले की भावना हो रही है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति ताकत नहीं है। हम प्रार्थना करें, वो प्रेम, वो प्यार, वो क्षमा प्रभु ने सूली पर दिया था, वही सभी के जीवन में बरकरार रहे और हमारा समाज सुंदर समाज हो, जहाँ शांति हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ भाईचारा हो, जहाँ एकता हो, जहाँ समझदारी हो, जहाँ एडजस्टमेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कंसर्न हो, प्यार हो और हम लोग भाई बहन के रूप में जिए और ये समाज को ईश्वरीय राज्य में बदलने के लिए प्रभु से शक्ति मांगे। आमीन। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और हमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और नरक में उतरे, में तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सेवा, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग तथा क्रूस मरण के द्वारा हमारे सारे ऋण माफ कर हमें मुक्ति दिलाई और वह चाहते हैं कि हम भी अपने पड़ोसियों के ऋण को माफ करें। हम प्रभु यीशु के माध्यम से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और इसके लिए भी कि हम अपने सभी गुनाहगारों को माफ कर सकें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक और धर्म संघी यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर उनके पद चिन्हों पर चले और सभी निर्बलों तथा पीड़ितों के प्रति प्रेम और दया दिखा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन व्यक्तियों के लिए जो ईश्वर से प्राप्त हुए वरदानों को भूलकर दूसरों के छोटे छोटे दोषों के लिए उन पर दोषारोपण लगाते हैं, वे ईश्वर की दया से अपनी गलतियों को स्वीकारें और दूसरों को भी क्षमा करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु ने हम सबको ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रिया बना दिया है, अतः हम सभी विश्वासी ईश्वर की विरासत के अधिकारी और एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम कठिनाई के समय अपने भाई बहनों की सहायता कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बंदी गृह में बंदियों से मिलने जाने वाले याजकों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों तथा अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे मसीह के प्रेम और ज्योति के विषय में कैदियों को एहसास दिला सके, जिससे उनके अपराधपूर्ण जीवन में सुधार आ जाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पावन युखरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने भाइयों और बहनों को उनकी गलती के लिए क्षमा करने में उदारता दिखा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता ईश्वर,
तेरे पुत्र यीशु को हम देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है कि हम अपने भाई बहनों या अपराधियों को क्षमा करें। वह यह भी कहते हैं कि क्षमा करने वालों को अंतिम न्याय के दिन क्षमा किया जाएगा। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम एक दूसरे के प्रति दया दिखा सकें और स्वयं को अनंत जीवन में प्रवेश पाने के योग्य बना सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। बंधुओं प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों के यह बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दया पूर्वक सुन ले और अपने सेवकों के उपहार ग्रहण कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो बेन चढ़ाई है, यह सबों के लिए मुक्ति प्रसिद्ध हो हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हाँ, प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। प्रभु पावन है, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। प्रभु पावन है। ओ विधरा पर तेरी मर
नाम प्रभु का लेकर आता, धन्य है पुत्र जो मुक्ति का दाता, नाम प्रभु का लेकर आता, हो सारा हो सारा हो सारा प्रभु तेरे सदा, पावन है प्रभु पावन है पावन है प्रभु पावन है, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन है प्रभु पावन है पावन है प्रभु पावन है। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा से निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रेस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दयादृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्योपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए, हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है
कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधार तथा महिमा युगानि युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। मनुष्य का स्वभाव है गलती करना, ईश्वरीय स्वभाव और गुण है उसे माफ करना। हम ईश्वर की संतान हैं, उन गुणों से विभूषित होने के लिए प्रभु से कृपा मांगें और एक दूसरे को क्षमा करें, तभी तो हमें भी क्षमा मिल जाएगी और हमें भी स्वर्ग राज में प्रवेश मिलेगा। आइए इसी विश्वास के साथ हम प्रभु के उस सुंदर प्रार्थना को भक्तिभाव से कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति विघ्न बाधाओं से, कतरों से, बीमारियों से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर और हमारे श्रद्धा भक्ति पर दया दृष्टि डाल और हमारे अंदर, हमारे परिवारों में, अड़ोस पड़ोस में, समाज में, राज्यों में, देश में, संसार भर में, अलग अलग देशों के बीच, राष्ट्रों के बीच, लोगों के बीच, धर्मों के बीच, धर्मावलंबियों के बीच शांति, प्रेम, भाईचारा, एकता बनाए रख, युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्राइस्ट ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं और हमें एक दूसरे को क्षमा करने का रास्ता दिखाते हैं और
सूली पर मरकर हमें दृष्टांत देते हैं। धन्य है हम इस मुक्ति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सोए नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्राइस्ट का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे, आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ, आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहें, अपने प्रभु क्राइस्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी पर आशीष प्रदान करें,
आमीन। आप लोग विदा लें, ईश्वर के प्रेम और शांति में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।